वेल हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का 6 MM पर एक बार फिर से। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ट्रिपिट का स्ट्रॉम बॉक्स ब्लास्ट। जो तो ब्लूटूथ स्पीकर की तो डिमांड सभी को रहती है कि हमारे पास एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर हो, पर आपको क्या बताऊं कि अगर आपके पास 90 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाए, वो भी इतने अच्छे ब्रांड की तरफ से, तो कहने ही क्या। इसका साउंड इतना ज़बरदस्त है दोस्तों, मतलब ब्लास्ट ही कर देता है ये, सच में ब्लास्ट कर देता है। और इतने सारे भर भर के फीचर इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, जो आपको नॉर्मली कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ऐप्स भी अवेलेबल हैं इसकी, ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है, सुपर बिल्ड क्वालिटी है। चलिए खूनी खंजर की मदद लेते हैं और जल्दी से अनबॉक्स करते हैं अपने डब्बे को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पेपर वर्क मिल जाता है, काफ़ी सारी जानकारी इसके अंदर दी गई है। साथ में हमें पावर केबल देखने के लिए मिलती है, जिससे हम इसे पावर दे सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं। और फाइनली इस पन्नी को अनरैप करते हैं और ये रहा हमारा स्पीकर। अब बहुत ही बढ़िया है, और सीरियसली बताऊँ थोड़ा सा हैवी साइड में फील हो रहा है, पर क्वालिटी भी वैसी है। मतलब प्लास्टिक में तो इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया ना, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और लाइटिंग देखो साइड वाली, इतनी बढ़िया लाइटिंग इधर आपको देखने के लिए मिलती है, अंदर बाहर साइड में दोनों जगह। और यहाँ पर जो वॉल्यूम आप कंट्रोल करते हैं ना, तो वो भी आपको LED की मदद से यहाँ पर पता चलता है। बात करते हैं दोस्तों इसके कंट्रोल की, तो ऊपर की तरफ आपको सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। पावर बटन मिल जाता है, ब्लूटूथ का बटन मिल जाता है, प्लस माइंड का बटन मिल जाता है। इसके अलावा आपकी जो लाइट्स है उसको कंट्रोल के लिए बटन मिल जाते हैं, मोड्स के लिए बटन मिल जाता है, एक्स्ट्रा बेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी बटन मिल जाता है, जो सीरियसली बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है। तो मुझे तो ये स्पीकर सीरियसली काफ़ी पसंद आया दोस्तों। प्राइस की अगर बात करते हैं तो 16,150 रुपये का इस टाइम पे अमेजोन पे ये अवेलेबल है। जब ये आया था शुरू में थोड़ा सा महंगा था, 20,000 का आता था, अभी इसका प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप में आपको मिल रहा है, पर एक लॉन्ग टर्म में यूज़ करने वाला स्पीकर है सीरियसली। मतलब बहुत अच्छी आवाज़ है। यहाँ पे 32 LED लाइट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी ब्राइट हैं। इसके अलावा दोस्तों 30 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है, 30 घंटे तक ये चला सकते हो आप। और बेस इतना ज़बरदस्त है ना, साइड वाला जो बेस के इन्होंने कुशनिंग दी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी दी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे गाना बजता है तो इतने हैवी ये जो है पॉप्स हैं वो भी नीचे गिर गए। चलिए दोस्तों पीछे के साइड की पैडिंग को यहाँ पे रिमूव करते हैं। इस पैडिंग को रिमूव करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके जो पोर्ट्स हैं वो आपको कनेक्टिविटी के सारे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑक्स का पोर्ट मिलता है, सी टाइप पोर्ट मिलता है, इसके अलावा पावर का पोर्ट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। और अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पे पैडिंग दी है, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसके वूफर्स की, तो यहाँ पे जो वूफर्स है रबड़ इस्तेमाल की गई ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की है। कई स्पीकर में बहुत लाइट वेट यूज़ की जाती है, बहुत लाइट यूज़ किया जाता है, वो अच्छी नहीं रहती है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है। और अंदर की लाइटिंग देखो यार, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, मतलब अल्टीमेट लगता है स्पीकर कहीं भी रखा हुआ। अब चलिए गाना बजा लेते हैं इसके ऊपर। सुनो मेरे वीरों आज मेरी कहानी। तो खैर दोस्तों, आपने देखा कितना ज़बरदस्त साउंड है स्पीकर का, बहुत ही अल्टीमेट स्पीकर का साउंड मेरे को यहाँ पे लगा। 90 वोट के स्पीकर, और सीरियसली जब आप इस पर एक्स बस बढ़ा देते हैं ना, तो बहुत ही अमेजिंग साउंड यहाँ पर आता है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको पार्टीज वगैरह में यूज़ करना है, IPX7 की वाटर जो है आपको मिल जाती है प्रूफिंग, तो वो चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। और ये लाइट्स है ना, बहुत कमाल की लगती हैं, एकदम DJ वाली फीलिंग आपको यहाँ पर प्रॉपरली आने वाली है। तो दोस्तों मेरी तरफ से तो थम्सअप है, आप इस स्पीकर को बाय कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये इतना अच्छा है कि कोई भी इसे लेकर भाग सकता है। तो पहले कि कोई स्पीकर हमारा लेके भाग जाए, अरे भाई मेरा स्पीकर कहाँ गया, अरे छोड़ो यार।